हेलो आप सबके, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप कनाडा और यूएस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बेसिकली वीडियो आपके लिए है, राइट? ओके, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए एग्जैक्ट स्टेप्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि लाइक यू नो आप उनको गो थ्रू करें, ड्यू डिलीजेंस आपने किस तरह से करनी है, लीगल पेपर वर्क किस तरह से होगा। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली इस चीज़ की बात करेंगे कि आप कनाडा के अंदर या यूएस के अंदर स्मॉल बिजनेस में किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप लाइक किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लाइक आप जा सकते हैं, क्या टिप्स हैं और क्या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं आपको हेल्प करने के लिए, राइट? लाइक यू नो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? ओके, तो देखिए, जब भी आप पहले किसी बिजनेस को देखते हैं तो आपका जो पहला स्टेप हमेशा होता है ना, वो बेसिकली होता है रिसर्च एंड ड्यू डिलीजेंस, राइट? यू नो, रिसर्च एंड ड्यू डिलीजेंस में क्या है कि भाई आपको इंडस्ट्री के बारे में पता है या मार्केट कंडीशंस के बारे में पता है, नहीं पता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि आप किसी डीलरशिप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, गाड़ियों की डीलरशिप में, आपको उस मार्केट के बारे में पता भी है, नहीं भी पता है, राइट? यू नो, किस किस्म की गाड़ियां बिकती हैं, वो आपकी डेमोग्राफिक्स क्या है, राइट? तो रिसर्च और ड्यू डिलीजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप बिजनेस प्लान रिव्यू करते हैं, इसके अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करते हैं, इसके अंदर आप उस बिजनेस की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखते हैं कि लास्ट 3 से 5 साल के स्टेटमेंट्स आप निकलवाते हैं, उसका पेरोल देखते हैं, उसका जीएसटी देखते हैं, उसका एबिटेटा देखते हैं, राइट? लाइक यू नो, ये सारी चीजों को आप इवेल्युएट करते हैं, राइट? यू नो, ओके, ये आपका पहला स्टेप होता है। ओके, दूसरा स्टेप जो बेसिकली आपको होता है, फिर आप जाते हैं लीगल। जब लेट्स से कि अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई अच्छा बिजनेस है, लेट्स से कि आपको एक अच्छा बिजनेस मिल गया, आपने उसके फाइनेंस देख लिए, आपने मार्केट को समझ लिया, आपने सारी गो थ्रू करके आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये बिजनेस है, मुझे इन्वेस्ट करना है अभी, राइट? ओके, अच्छा, अब ये इमिग्रेशन पर्पस के लिए हो सकता है, किसी भी तरीके किसी भी वजह से हो सकता है, राइट? तो फिर सेकेंडली जो चीज़ होती है वो लीगल स्ट्रक्चर होता है कि भाई क्या आप सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर रहे हैं, पार्टनरशिप है या कॉरपोरेशन है, राइट? ओके, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई अपने चैनल के ऊपर कि ये इन तीनों में फर्क क्या होता है, क्योंकि आप बिजनेस को किसी भी इन तीनों कैटेगरी के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि कॉरपोरेशन खोलें, जिसमें आपको फायदा होता है टैक्सेस के परस्पेक्टिव से और लाइबिलिटी के परस्पेक्टिव से, राइट? ओके, और मेक श्योर करें कि जब भी आप बिजनेस की क्लोजिंग करें तो प्रॉपर लॉयर के साथ लाइक यू नो आप क्लोजिंग करें। सही है भाई, वो थोड़े से पैसे देता है, पर वो आपको मेक श्योर करता है कि कहीं आप कोई गलत चीज नहीं कर रहे हो, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको एडवाइस करता है कि भाई सही चीज क्या है, राइट? ओके, जब तीसरी चीज आती है आपकी फंडिंग ऑप्शंस, राइट? तो फंडिंग ऑप्शंस के अंदर देर आर मल्टीपल थिंग्स, जाहिर सी बात है, पर्सनल सेविंग्स हैं आपकी, बैंक लोन्स हैं, गवर्नमेंट के ग्रांट्स और प्रोग्राम्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट से आप पैसे ले रहे हैं। भाई पैसा कौन लगा रहा है बिजनेस के अंदर और कितना आपका है और कितना बेसिकली आप बोरो कर रहे हैं बाकियों से, राइट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसके बाद वाला जो स्टेप होता है, इसको हम बोलते हैं बिजनेस की वैल्यूएशन भी है, राइट? यू नो, के अब अक्सर क्या होता है, ये चीज आप करते हैं ड्यू डिलीजेंस के फेज में, क्योंकि बिजनेस की लेट्स से कि कोई बिजनेस का बंदा बोल रहा है ये $3 लाख का बिजनेस है, क्या वो एक्चुअली 3 लाख का है भी नहीं है? तो कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर बिजनेस इवेल्युएटर्स भी होते हैं जो पैसे लेते हैं, जाहिर सी बात है, पर वो आपको बिजनेस इवेल्युएट भी करके देते हैं। जनरली रूल ऑफ थंब ये होता है कि भाई कुछ बिजनेसेस बिकते हैं 3x ऑफ द रेवेन्यू, कुछ बिकते हैं 3x ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? ओके, तो ये थोड़े से मतलब के लाइक यू नो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, और ये बेस करता है किस कस्म का बिजनेस है। एग्जाम्पल ये कि जो एप्स का या ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, इसमें आप देखेंगे कि उसमें प्राइसेस हाई होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस की 2x या 3x के मल्टीपल पे बिकता है। तो आपने भाई इवेल्युएशन देखनी है कि भाई सही भी है या नहीं है, बिकॉज आपको क्या पता कि वो 3 लाख सही मांग रहा है नहीं मांग रहा, हो सकता है ज्यादा मांग रहा, हो सकता है कम मांग रहा हो, राइट? यू नो, तो बिजनेस एवेल्यूएशन भी एक अच्छा स्टेप है जिसको आप बेसिकली लाइक यू नो एक्सप्लोर करें। ये उन केसेस के अंदर जब आप बिजनेस के प्राइस के बारे में श्योर नहीं हो कि क्या ये सही प्राइस है या नहीं है। ओके, इसके बाद आपने रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी देखना कि भाई लोकल प्रोविंशियल और फेडरल लॉज जो है उसके ऐसी तो नहीं कोई रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पहले से कि बहुत सारे लोग वेप जो होता है, जो लाइक फूकते हैं, आप उसकी शॉप जब खोलते हैं तो उसमें आपको लाइसेंस चाहिए होता है लाइक यू नो प्रोविंशियल जो लिकर एंड गेमिंग कमीशन के थ्रू, राइट? सो कुछ प्रोविंशियल किसी किसी बिजनेस के कुछ प्रोविंशियल फेडरल और लोकल रिक्वायरमेंट्स होती है। आपने ये समझना है कि आपके बिजनेस में वो एप्लीकेबल है नहीं है। ओके, अगर वो है तो आप जो भी लाइसेंस जो भी परमिट्स आपको चाहिए उसके लिए आप अप्लाई करते हैं।
एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि भाई लेट्स से कि आपका कोई हेल्थ केयर का बिजनेस है या आपका फूड, लेट्स से खाने का बिजनेस है, जब भी आप खाना सर्व करेंगे ना तो आपको प्रोविंशियल हेल्थ अथॉरिटी से आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगी फूड हैंडलिंग की। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है स्पेसिफिकली कुछ डिफरेंट बिजनेसेस के अराउंड, तो ये आपको समझना है राइट। रिस्क मैनेजमेंट है लास्ट में, भाई रिस्क मैनेजमेंट तो आपने करना ही है ना। रिस्क मैनेजमेंट आप कोई भी चीज को बगैर आंख बंद किए तो नहीं ले लेते ना राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपने ये करना है कि भाई वो बंदा तो ये बंदा बेच क्यों रहा है, क्या फ्यूचर में ऐसा तो नहीं कि दो और दुकानें इसके सामने आ रही है, ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट को बड़ा जरूरी है राइट। क्योंकि जब आप एक बार ले लेंगे ना बिजनेस तो फिर आप रो नहीं सकते राइट। कि भाई मैंने गलत डिसीजन ले लिया क्योंकि आपके पैसे फंस गए अभी। तो कोशिश ये करें कि अपफ्रंट ये डिलीजेंस कर लें ताकि आपको ये मसला नहीं हो राइट। तकरीबन 3-4 कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं बिजनेसेस के अराउंड, लाइक लेट्स से कनाडा स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग प्रोग्राम है, ये कैनेडियन गवर्नमेंट की लोन बैक प्रोग्राम है अगर आप स्मॉल बिजनेस लेते हैं, जैसे CSBFPB बोला जाता है अक्सर राइट। के बिजनेस डेवलपमेंट और बैंक ऑफ कनाडा बेसिकली वो भी प्रोवाइंस फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है राइट। BDC जिसे बोला जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट लेंडर्स है स्मॉल बिजनेस के लिए। इनोवेशन साइंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कनाडा भी देती है बेसिकली लोन्स बिजनेसेस के लिए, और बाकी प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल प्रोग्राम्स भी जैसे ऑन्टेरियो के अंदर है, ऑन्टेरियो स्मॉल बिजनेस एक्सेस प्रोग्राम है एल्बर्टा के, एल्बर्टा इनोवेट से राइट। ये बिजनेसेस को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। लेट्स से कि हम एल्बर्टा में हैं और हमें कोई भी हेल्प चाहिए, एग्जाम्पल ये लेट्स से कि लॉटीक है हमारा बिजनेस, तो जब हमने लॉटीक स्टार्ट किया था तो हम एल्बर्टा इनोवेट्स के पास गए, तो एल्बर्टा इनोवेट्स ने हमें $10,000 की ग्रांट दी, नॉन रिफंडेबल, लाइक बेसिकली लोन नहीं थे, ग्रांट थे, फ्री पैसे थे, बस हमें उस बिजनेस के ऊपर लगाने थे राइट। तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पर ये प्रोविंशियल लेवल पे भी सपोर्ट है, लोकल लेवल पे भी सपोर्ट है और फेडरल लेवल पे भी आपको सपोर्ट है। आपने समझना बस ये है कि भाई ये सपोर्ट को आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, कहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राइट। कुछ और चीजें मैं आपको बोल दूँ कि देखिए भाई लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ अगर पहला बिजनेस ले रहे हैं तो स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करें फिर बड़े की तरफ जाइए, रिस्क आपका कम होता है, और नेटवर्क करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझे उस इंडस्ट्री के अराउंड, जितनी आप ज्यादा लोगों को जानेंगे उनसे बातें करेंगे इतनी आपको क्लैरिटी आएगी कि आपका डिसीजन सही है या नहीं है। हमेशा एक्सपर्ट से बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपर्ट से बात करें राइट। दो तीन और हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट राइट। देखिए जब आप भी कोई बिजनेस लेते हैं आपने अपने आप से ये पूछना है कि भाई आप खुद कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्या ये एक्टिव इन्वेस्टमेंट, एक्टिव इन्वेस्टमेंट लेट्स से कि आप दुकान खुद चला रहे हैं, पैसिव इन्वेस्टमेंट लेट्स से कि आपने 5-10 अपार्टमेंट ले लिए आपने रेंट पे चला दिए, तो वो कम मतलब कि आप वो पैसिवली मेंटेन कर सकते हो ना, आपको उसको एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं है उस इन्वेस्टमेंट को। वर्सेस अगर आप बिजनेस लेते हैं चलता फिरता बिजनेस लेते हो आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, तो आप ये क्या चाह क्या रहे हैं ये भी आपने डिसाइड करना है राइट। तो ये कुछ स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अराउंड कुछ एडवाइस थी राइट। अगर आप कनाडा में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप ऑल्सो अगर आप बिजनेस लोन्स देख रहे हैं, लेट्स से कि अगर आपको फाइनेंसिंग चाहिए, लेट्स से 4 लाख की कोई दुकान है आपके पास, 1 लाख डाउन है, 3 लाख आपको फाइनेंस करवाने हैं, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप जाइए लॉटीक LAWTIQ lawtiq.com के ऊपर, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में जाके भी पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेक केयर, बाय बाय।